अथ पंचमो अध्याय। भगवान लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार की कथा। ऋषय उचु। अस्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद्विस्मयकारकं जन्मूर्धां मधवस्व्यापि गतो देहात् पुनः परं हयग्रीवस्ततो जातः सर्वकर्तजनार्दनः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। तस्यापि वदनं छिन्नं दैव योगा कथं तदा तत्सर्वं कथयाशूत्वं विस्तरेण महामते। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, दैवयोग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया, हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूतवाच। श्रीमन्तो मुनयः सर्वे सावधानः समन्त्रितः चरितं देवदेवस्य विष्णुः परम तेजसः। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। कदाचित् तरुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनः दशवर्षसहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दनः। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मसनं विभो अवलम्ब्य धनु सज्जं कण्ठदेशे धरास्थितं दत्वा भारं धनुष्कोट्यं निद्रामापरमापते शान्तत्वा देवयोगाच्च चतुस्तति नेत्रितः। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित पतंजलि चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैवयोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। तदा कालेन कियता देवाः सर्वे सवासवः रमेश सहितः सर्वे यज्ञं कर्तुः समुद्यतः गतः सर्वेऽथ वैकुण्ठं द्रष्टुं देवं जनार्दनं देवकायस्य सिद्ध्यर्थं मखानामधिपं प्रभुम्। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। अदृष्ट्वा तं तदा तत्र ज्ञानदृष्ट्या विलोक्यते यत्रास्ते भगवान विष्णु जग्मुस्तत्र तदा सुराः। उस समय उन्हें वहाँ न देख कर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। तद्रीशु स्थित देशानं योग नेत्र वशं गतं विचेतनं विभुं विश्व तत्रासां च कृते सुराः। वहाँ उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा, तब वे देवगण वहीं रुक गए।
स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रासु ते जगद्पतौ चिन्ता मा पुः सुरः सर्वे कमरुद्रपुरोगमः। तभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तानुवाच ततः शक्र किं कर्तव्यं सुरोत्तमः निद्रा भंग कथं कार्यश्चिन्तयन्तु सुरोत्तमः। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तमुवाच तदा शम्भुः निद्रा भंगेऽस्ति दूषणम् कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञस्य सुरसत्तमः। तब शिव जी ने इंद्र से कहा, इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करनी है। उत्पादित तदावम्रि ब्रह्माणा परमेष्ठिना दया भक्षयितुं तत्र धनुषो ग्रंथरास्थितम्। इसके बाद परमेष्ठि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। भक्षिते कृतदारेण गमिष्यति शरासनम् तदा निद्रा विमुक्तो स देवदेव भविष्यति देव कार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः सर्वं रिं सन्ति देशात् देवदेवः सनातनः। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा ले जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवाधिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तमुवाच तदावम्रि देवदेवस्य मापते निद्रा भंग कथं कार्यं देवस्य जगतां गुरुः निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्युः प्रतिभेदनम् शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्महत्य समं स्मृतम् तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम् किं फलं भक्षणात् देव येन पापं करोम्यहम्। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। पतकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणम्। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोक पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। तव भागं करिष्यामि मख मध्य यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधय माचिरम्। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगा कर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। ओम कर्मणि पार्श्वे च अविर्दान पतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि पुरु कार्यं त्वरान्विता। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत उवाच। इत्युक्ता ब्रह्मणावम्रि धनुषोग्रं परन्वितं चखाद संसितं भूमौ विमुक्ता जातदभवत्। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचायां विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्तथोत्तरा शब्दसामा भवत् कोरस्तेन त्रस्ता सुरस्तदा।
ब्रह्मांडम चुभितं सर्वं वसुधा कंपिता तदा समुद्राश्च समुद्विग्नस्त्रेषुश्च जलजन्तवः बभूर्वाता सता चोद्रा पर्वताश्च च कंपिरे उल्का पात महोत्पात वधो वर्धक संशिनः दिशो घोरतराश्चासन् सूर्योऽप्यस्तङ्कतुभवत् चिन्ता मापुः सुरः सर्वे किं भावयिष्यति दुर्दिने। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई जिससे वहाँ सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो गए, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे और किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगा। सूर्य तिरोहित हो गए और सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देख कर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। एवं चिन्तयतां तेषां मूर्धा विष्णुः सकुण्डलः गतः सामकुटः क्वापि देवदेवस्य तापसः। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवता देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। अंधकार तदा भूरे शांते ब्रह्म हरो तदा शिरोहीनं शरीरं तु तद्रिशात्य विनाशनम्। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। चिंता सागर मग्नाश्च दुर्दोषोप कर्षिता। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख कर वे शेष देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे। हानात किं प्रभो जात मत्यद्भुत मानुषम् वैशेषं सर्वदेवानां देवदेव सनातनम्। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। मायेयं कस्य देवस्य ययाते द्यशिरोहृतं अक्षेद्यस्त्वमभेद्योऽसि अपदाह्योऽसि सर्वदा। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया। आप तो सर्वदा अक्षेद्य, अभेद्य और अदाह्य हैं। एवं गाते त्वयैवेभो मरिष्यन्ति च देवता कीदृशत्वयि नः स्नेह स्वाधिर्नवरुदामहे। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। दायं विघ्न कृतो दैत्यर्नर्य चर्ण च राक्षस देवैरेव कृतः कस्य दुष्णं चरमापते। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। पराधीन सुरः सर्वे किं कुर्मा क्व व्रजाम च शरणं नैव देवेश सुराणां मूढचेतसा। हम सभी देवता पराश्रित हैं, हम इस समय क्या करें और कहां जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कोई भी शरण नहीं है। न चैषा सात्विकी माया रजसी न च तामसी यया छिन्नं शिरस्तेद्य मायेशस्य जगद्गुरो। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगद्गुरु का सिर काटा गया है। क्रंदमानं सदा दृष्ट्वा देवं चैव पुरोगमान् बृहस्पतिस्ततोवाच शमयन्विदमित्तमः रुदितेन महाभाग क्रंदितेन तथापि किम् उपयाश्चत्र कर्तव्य सर्वथा बुद्धिगोचरः देवं पूर्व
पुष्कारश्च देवेश सदृशाभुभौ उपायश्च विधातव्य देवात्कारति सर्वथा। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद देवताओं में श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है? इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना चाहिए कि वह दैवयोग से ही सफल होता है। इंद्र उवाच, देवमेव परम मन्ये दिक्पारो शमनर्थकम् विष्णुरपि शिरच्छिन्नम् सुराणां चैव पश्यताम्। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मोवाच, अवश्यमेव भोक्तव्यम् कलेनापतितम् च यत् शुभम वाप्य शुभम वापि देवं क्रोधि क्रमे पुनः। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? देहवान सुख दुखानां भुक्तानैव संशय यथा कालवशात् कृतं शिरोमे शम्भुना पुरा तथैव लिङ्गपातश्च महादेवस्य शापतः तथैव वाद्य हरे मूर्धा पतितो रावणं भसि। प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर लमण सागर में जा गिरा है। सहस्र भग संप्राप्त दुखम चैव शचीपते दैवयोग से ही इंद्र को भी सहस्र भगों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा, वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मन सरोवर के कमल में रहने लगे। एते दुखस्य भोक्तारं केन दुखं न भुज्यते संसारेऽस्मिन् महाभागं सस्मच्छोकं त्यजन्तु वै चिन्तयन्तु महामायां विद्या देवीं सनतनी सावेद्यास्यति नः कार्यं निर्गुणा प्रकृतिः परा ब्रह्म विद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तथा जया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है? अतः आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या और जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है, वे निर्गुणा पड़ा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूजी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा वाच, स्तुवन्तु परमा देवी ब्रह्म विद्यां सनातनी गुणांगी च महामाया सर्वकार्यार्थ साधिनी। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगुण अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। वचनम तस्य विदः सर्वांग सुंदरः तुष्टो वर्ज्ञन गम्यां तां महामायां जगस्थितां। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत के आधार स्वरूप तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ पदायिनी माता, आपको नमस्कार है। तुम भूमे सर्वभूता
तथा धी श्री कांति क्षमा शांति धृति स्मृति। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों के प्राण भी हैं। बुद्धि श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। मात्रासि गायत्री हृदि तथा जया च विजया धात्री लजा कीर्ति स्मृह गया। ओंकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री भू भुवा स्व आदि व्याहृति जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा एवं दया सभी कुछ है। त्वां संस्तु मोम भुवनात्रय संविधान दक्षां दया रसयुतां जननीं जानानां विद्यां शिवां सकल लोकहितां परिण्याम हे अम्ब, आप तीनों लोगों की रचना तंत्र में दक्ष करुण रस से युक्त सभी प्राणियों की माँ विद्या कल्याणी सभी प्राणियों के हित साधिका सर्वश्रेष्ठ बाघ बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा चौरी सहस्त्र नेत्र संति ततो न मुख्या मातायतस्त्वं स्थिरजंगमानां। ब्रह्मा शंकर विष्णु इंद्र सरस्वती अग्नि सूर्य और सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सब चराचर जगत की माता है। सकल भुवन मेतत् कर्तुं कामयदा त्वं सृजसि जननी देवान् विष्णु रुद्रज मुख्यान् स्थितिलय जननं तेह कार्यस्य कृपा न खलु त्वकथं चिद्देवी संसर्लिश। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। नते रूपं पेतुं सकल भुवने कोऽपि निपुण ननाम नाम संख्यां ते कति तुमिह योग्यस्ति पुरुषः यदल्पं केलालं कदाचितुम् अशक्तः स तु नरः कथं पारावराकल न चतुरस्य श्रीमतिः। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। न देवानां मध्ये भगवति तवानन्त विभवम् विजानाति कोऽपि त्वां भुवनैकासि जननि कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चकार जयसि प्रमाणं त्वे तस्मिन्नेव मम वचनं देवि विहितम्। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं? हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। निरीह वासि त्वं निखिल जगतां कारणमहो चरित्रं ते चित्रं भगवति मनोनो व्याथयति कथं कारं वचः सकल निगमागोचरगुण प्रभावः स्वं यस्मास्वायमपि न जानासि परमम्। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई आप इच्छा रहित है। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। न
किं जानासि त्वं जननि मधुञ्जिन्मौलिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा वेवि दिशसि शक्तिं मधुषिता हरिः किं वा मातुर्दुरितततीरेषबलवती भवत्याः पादाब्जे भजन निपुण क्वास्ति दुरितम्। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं? हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। उपेक्षां किं चेयं तव सुर समोहेति विशर्मा हरे मूर्ध्नो नाशो मात इह महाश्चर्यकम् महदुःखं मातस्त्वमसि जननक्षतकुशला न जानि ममौलिर्विघटन् विलम्बः कथमभूत्। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था, महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। किं समर्जनितः कोऽपि गर्वोति विकार चेतुं मास्तव विलसितं नैव विद्युत्प्रभावम्। हे देवी, तभी देवताओं के देवत्वाभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतया असमर्थ है। अंतर्धानं कमित मधुना विष्णु शेषं भवानी दृष्टुं किं वा विगत शिरसं वासुदेवं विनोद। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है जो विष्णु के सिर काटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं? सिंधो पुत्र्यां परोषिता किं त्वा माध्ये तस्मादेनां प्रेक्षासे नाथदीनां शङ्खव्यस्ते स्वांश जाता पराधो आदि। आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया यह हम नहीं जानते और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवनदात्री हैं। सूत वाच। हे
शिवं स्तुता तदा देवी गुणातीत महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया हृदय सांगेश्च समगहे। सूजी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांग्र वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। तनुवाच तदा वाणी चकाशस्थ शरीरिणी देवान् प्रति सुख शब्द जनानंद करी शुभा। उस समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त तथा भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरिणी शुभवाणी ने उनसे कहा, मा कुरु त्वं शुराश्चिन्तं स्वस्तास्तिष्ठन्तु कामरः सुताहं निगमहे काम संतुष्टास्मि न संशयः। हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह पुमान मनुष्य लोके सोते ताम मम खीम स्तुतिं पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शृणोति सूत्रमेदं मदीयं भक्त्यात्रिकालं सततं नारो यः विमुक्तदुःखः स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेतन्नानु। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्यान्ह सायंक मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। श्रीमंतु करुणं चाद्य यगतं वदनं हरे अकारणं कथं कार्यं संसारे त्रभविष्यति। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। विष्णु एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। तया ज्ञातं हरेर्नूनं कथं मां हसति प्रभो विरूपं हरिणा दृष्टं मुखं मे केन हेतुना विनापि कारणेनाद्य कथं हास्यसि संभवः सपत्नीव कृता तेन मन्येन वरमन्निनि। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी को पाविष्ट हो गई और उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। केनचित् कालयोगेन देव कार्यार्थ सिद्धये प्रविष्टा तामसी शक्ति सस्या देहति दारुणा। तदंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तामस्याविष्ट देहासा चुकोपातिशयं तदा जनुकः समुवाचिदमिदं पाततो ते शिरः। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा कि तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। श्री स्वभाव च भावी वाकलयो का त्रिनिर्गतः अविचार्य तदा दत्त चापस्व सुखनाशनः सपत्नी संभवं दुःखं वेध व्याधिकं त्विति विचिन्त्य मनसे त्युक्तं तामसी शक्तियो गतः।
स्त्री स्वभाव के कारण भावी वश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोच कर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। सशेषं वासुदेवं तं करोम्यद्य यथा पुरा शिरोस्य शापयोगेन निमग्नं लवणं बुधौ। अब मैं उन वासुदेव को पूर्ण की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। अन्यच्च कारणं किंचि वर्तते सुरसत्तमा भवतां च महाकार्यं भविष्यति न संशयः। हे शेष देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरा दैत्यो महाबावन हय ग्रीवति विश्रुता तपश्चक्रे सरस्वत्यस्तिरे परम दारुणम। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नामक एक दानव था जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। जपन्ने काक्षरं मंत्रं माया बीजात्मकं मम निराहारोचितात्मा च सर्वभोग विवर्जिता। वह दैत्य आहार का त्याग करके समस्त इंद्रियों को वश में करके और सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीम का जप करता रहा। ध्यायन माम तामसीम शक्तिम सर्वभूषण भूषिताम एवं वर्ष सहस्रम च तपश्चाकृत दारुणम। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। तदाहं तमसं रूपं कृत्वा तत्र समागता दर्शने पुरतस्तस्य जातं तत्तेन यादृशम्। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। सिंहो परिस्थिता तत्र तमो चंदयान्विता परम प्रोहि महाभाग ददामी तव सुव्रत। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैं दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग तुम वरदान मांगो, हे सुव्रत मैं तुम्हें यथेष्ट वरदान दूंगी। इति श्रुत्वा वचो देव्या दानवः प्रेम पूरितः प्रदक्षिणां प्रणामं च चकार त्वरितस्तदा दृष्ट्वा रूपमधीयं स प्रेमोत्फुल्ल विलोचन हर्षाशो पूर्णनयनस्तु श्रवस च मां तदा। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षा तेरे के कारण अश्रु पूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हय ग्रीव वाच नमो देव्यै महामाये सृष्टि स्थित्यन्त कारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामते मोक्ष देशिवे। हैग्री बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे आप देवी को नमस्कार है। तेज पवन पंचानां च कारणं त्वं गंधर स्वरूपाण कारणं स्पर्श शब्दयोः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। घ्राणं च रसना चक्षु स्वक्षोत्रमिन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि चान्यानि वत सर्वं महेश्वरी। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान ये ज्ञानेन्द्रिया तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा ये कर्मेन्द्रिया आपसे ही उत्पन्न है। देव्यवाच किं ते भीष्टं वरं ब्रूहि वांछितं यद्यदामि तत् परितुष्टस्मि भक्त्या ते
देवी बोली, ये तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। यथा मे मरणं मर्तन भवेत् तथा कुरु, भवेय मामरो योगी तथा जयः सुरसुरः। हैग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देवदानों द्वारा अपराजेय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवोवाच। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशि लोके भवे च कथमन्यथा। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? एवं त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे रक्षसोत्तम परं पराय चेष्टं ते विचार्य मनसा किल। अतः दानव श्रेष्ठ मृत्यु को अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य प्रत्यक्ष वर मांग लो। मृत्यु नान्यस्मा जगदम्बिके इतिमेवं चेतं कामं पूरय स्वमनोगतम्। हैग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हैग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी वाच। गृहं कच्छ महाभाग गुरु राज्यं यथा सुखं भयग्रीवा धृत्रे मृत्युर्नतेनोनां भविष्यति। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हैग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। इति दत्त्वा वरं तस्मा अन्तर्धानं गता तथा मुदं परमिकां प्राप्य सोपि स्वभवनं गता। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। सभीडयति दुष्टात्मा मुनिं वेदांच सर्वशः न कोऽपि वेद्यते तस्य अन्तर्ज्ञभुवनात्रये। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। समुद्रेत्य मनोहरम विष्णु त्वष्टा संयोजयिष्यति। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इस सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। हयग्रीवोऽथ भगवान् अनिष्यति तमासुरं पापिष्ठं दानवं क्रूरं देवानां हितकाम्यया। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हैग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हैग्रीव का संहार करें। सूत उवाच। एवं सुरांस्तदा भाष्य सर्वाणि वीरदामह देवस्तदाति संतुष्टास्तमोचर्देवशिल्पिनम्। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गईं और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, देवाऊचु कुरु कार्यं सुराणां वे विष्णु शेषाभियोजनम् दानव प्रवरं दैत्यं अयग्रीवो हनिष्यति। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए, वे भगवान हैग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत उवाच। इति श्रुत्वा वचस्तेषां वष्टाचातित्वरान्वित वाजिशेषं च कर्ताशु अङ्गेन सुरसन्निधौ विष्णु शरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तकम् जातो महामाया प्रसादतः।
सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अतिशीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के सिर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु है ग्रीव हो गए। उस समय बाद उन भगवान हैग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया चरित्रं च पवित्रं पपुनाशनं पठतां श्रुत्वा चैव सर्वसंपत्तिकारकम्। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम प्रथम स्कंधे हयग्रीवावतार कथनम नाम पंचमो अध्यायः।